हिमाचल में बाढ़ बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बता दें कि काफी नुकसान जो है हुआ है, सड़कों का भी काफी नुकसान हुआ है। दरअसल मापदंडों की अवहेलना करने पर सड़कों के किनारे घटिया स्तर के डंगों का निर्माण और साथ ही बड़े बचाने के चक्कर में छोटे डंगे जो है वहां पर लगाए गए, जिस कारण भारी नुकसान सड़कों को हुआ। तो वहीं आम जनता के घर तक मलबे में दब गए। पानी की निकासी की कोई योजना ध्यान में नहीं रखी गई। वहीं दूसरी ओर लोगों के बहुमंजिला मकान भी बिना अनुमति या सरकारी निकायों की आंखों में धूल झोंक कर बनाए गए। तो या यूं कह लिया जाए कि तंत्र का गलत इस्तेमाल किया गया और गलत इस्तेमाल करके बनाए गए अवैध निर्माण ने हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मचाई है। हालांकि हिमाचल में अगर हम बात करें, जितनी तबाही बारिश ने मचाई है उतनी तबाही शायद ही कभी हिमाचल ने देखी थी। परंतु कुछ आपदाएं अगर हम बात करें तो कुछ मैनमेड रहती हैं, जो एनएचएआई की कारिस्तानी हमें यहां दिख रही है। देखिए किस तरह का जो रोड का निर्माण किया गया है, कितनी घटिया क्वालिटी के डंगे जो हैं वो लगाए गए हैं। उसी के साथ साथ इसी की इनकी कमियों के चलते कहीं ना कहीं देखिए इस बिल्डिंग जो कम से कम 5 से 6 मीटर दूर है उस पर भी जो है वो सवालिया निशान उठ गए, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सनवारा के सूजी गांव के पास, जहां पर ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरह से सड़क जो है बैठ गई है, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जो सड़क के किनारे मकान थे वो सब जमींदोज हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक लोकल व्यक्ति मौजूद हैं, एक दो लोगों से बात जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ये स्थिति बनी है ये कैसे बनी, क्या लगता है आपको क्या हुआ यहाँ पर? सर ये है कि जो है, हाँ जी, पानी का जो है ये ऊपर से पहाड़ टूटा जी, उसके बाद में ये ध्वस्त हो गई सड़क जी। सड़क के बाद पानी नीचे जाने लगा जी, इसके बाद तो फिर दरार आ गई। अच्छा, क्या लगता है कि सिर्फ ये एक दो मकान ही ऐसे हैं या ज्यादा एरिया है ऐसा? नहीं सर, ये वहाँ काफी तक दूर तक है। कितना लंबा एरिया होगा ऐसा? लगभग लगभग तो वो बिल्डिंग तक है, लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा। आइए एक और व्यक्ति हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये जो नुकसान की जब स्थिति चल रही है, क्या पहले बिल्कुल ठीक था, अब ये नुकसान हुआ, क्या हुआ? बिना बारिश जो हुआ ना जी, बारिश का पानी सारी उसी में जाता था जी, इसीलिए वो ढह कर चला जी। 1 महीना से तो आने के लिए सब आते हैं जी, कॉपी पर लिख के ले जाते हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। देख रहे हैं कि जो यहाँ पर एक बंदा भी अभी नहीं है मौजूद जी। तो क्या किसी से भी कोई राहत नहीं मिला? जी नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ की? मैं तो यही होटल में रहता हूँ, सब वैली व्यू होटल में जी। मैं तो रात दिन देखा कैसे कैसे पहाड़ गिर रहा था सारी। और कोई आपको ऐसा लगा कि आपके जो जिस होटल में आप रहते हैं यहाँ पर खतरा नहीं है? जी यहाँ तो खतरा नहीं है, थोड़ा घर हिलता था जब ये हुआ ना जी, बारिश बहुत तगड़ी जी, तो जैसे लग रहा था बिजली ऊपर से गिर जाएगा जी। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो बहुत बुरी हैं और बहुत स्थितियां नाजुक हैं, और आम आदमी को जीने के लिए यहाँ पर रहने वाले लोगों को डर लगने लगा है। इस वक्त हम खड़े हैं सोलन के चक्की मोड़ पे। मैं थोड़ा सा दृश्य दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से पूरा का पूरा मलबा यहाँ पर है, और लगातार अगर हम बात करें तो यहाँ पर जाम जैसी स्थिति जो है वो बनती रहती है। इस वक्त आर्मी की गाड़ियां भी आ रही हैं, एक साइड से गाड़ी को रोका गया है और दूसरी साइड से जो ये स्थितियां हैं कि एक साइड को रोक देते हैं और दूसरी साइड की गाड़ियां जो हैं वो आने के लिए रखते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से जो है वन वे ट्रैफिक को खोला गया है ताकि किसी तरह से जो है ट्रैफिक स्मूथ रहे। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा मलबा और जो गाड़ियों की आवाजाही में रोक लगी, जिसकी वजह से जाम की स्थिति जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। परंतु फिर भी सरकार की तरफ से, क्योंकि इस वक्त जो है सबसे बड़ी बात आर्मी डिप्लॉयमेंट भी जा रहा है, उसी के साथ में सेब की गाड़ियां जो है वो हिमाचल की जो है वो नीचे दिल्ली की ओर जा रही है। इस तरह बड़ा लैंडस्लाइड है ये, देखिए आप, ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये पूरा इतना खतरा इस जगह में बना हुआ है कि पुलिस 24 घंटे तैनात है यहाँ पर। दोनों एरियाज में पुलिस डिप्लॉय की हुई है, इधर को भी, लेफ्ट भी और राइट में भी, बल्कि 2-3 कर्मी पुलिस कर्मी जो हैं वो बीच में भी रुके हुए हैं जहाँ पर वो लोग इसको रोकने में लगे हैं कि ट्रैफिक जो है वो स्मूथली जा सके, कोई रिस्क ना हो। तो इस तरह की स्थितियां जो हैं अभी भी बाढ़ और बारिश के कारण, और जितनी इस वक्त की स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं, तो उससे देखकर ऐसा लगता है कि इस एरिया को देखकर ऐसा लगता है कम से कम लगातार अगर इसमें दिन रात भी काम किया जाए तो भी ये 6 महीने तक स्मूथ नहीं हो पाएगा। सोलन से अनुराग शर्मा।